नमस्कार, यह है साल पापड़ी यानी चावल के पापड़। यह बहुत ही टेस्टी और क्रंची लगते हैं ऑयल में फ्राई करने के बाद। यह चावल भिगोकर उसका आटा बनाकर बाद में पानी की भाप पर पकाकर बनाए जाते हैं। गैस पर बर्तन में पानी उबालने के लिए रखा जाता है। एक प्लेट पर चावल का भिगोया हुआ आटा पूरी की तरह परोस के बर्तन पर पानी की भाप पर पकाने के लिए रखा जाता है। एक दो मिनट में एक पापड़ी बन जाती है। साल भर इस्तेमाल करने के लिए ये एक साथ काफ़ी सारी बनाई जाती है। उसके लिए पूरा दिन और चार दिन का गैस खर्च होता है। अपने पैसा वसूल हिंदी चैनल पे आज जानते हैं हमारा टाइम और गैस में बचत करने वाले साल पापड़ी स्टैंड के बारे में। ये स्टेनलेस स्टील साल पापड़ी स्टैंड है, जिसे फेनी स्टैंड भी बोलते हैं। ये एक 6 इंच का ट्रायंगल शेप तीन पहियों वाला स्टैंड है। ऊपर एक लूप है जिससे स्टैंड उठाने में आसान होता है। तीनों पैरों की पट्टी पर करीबन 2 सेंटीमीटर पर आमने सामने स्टील की छोटी पट्टियां है जो स्पॉट वेल्डिंग से पक्की फिक्स है। स्टैंड के साथ में हमें मिलती है पेटल शेप में 12 प्लेन प्लेट्स। ये प्योर स्टेनलेस स्टील की और सफिशेंट थिकनेस की है। चावल के पापड़ बनाते समय एक प्लेट पर भिगोया हुआ आटा डालकर प्लेट थोड़ी घुमाकर आटे को गोल शेप देते हैं। प्लेट स्टैंड के निचले हिस्से में रख देते हैं। इसी तरह हर एक प्लेट रेडी कर एक के ऊपर एक रख देते हैं। पेटल शेप के कारण यह स्टैंड में रखने के लिए, निकालने के लिए और पापड़ी को बराबर गोल शेप देने के लिए आसानी होती है। एट अ टाइम 6 पापड़ के साथ हमारा स्टैंड रेडी होता है। बड़े बर्तन में या कुकर में या इडली कुकर में करीबन 1 इंच तक पानी लेकर उसे गैस पर उबालने के लिए रखना है। यह पूरा स्टैंड पापड़ी की प्लेट के साथ ऐसा ही उठाकर कुकर में रखना है। विदाउट सिट्टी ढक्कन लगाना है। सिर्फ नीचे की पापड़ी पानी में डूबनी नहीं चाहिए। हमारे पास 6 एक्स्ट्रा प्लेट्स है, उन पर आटा डालकर उन्हें रेडी रखना है। तब तक हमारी पापड़ी कुकर में पककर तैयार होती है। बीच बीच में कुकर में थोड़ा पानी ऐड करना पड़ता है क्योंकि पानी उबलकर कम होता जाता है। 2-3 मिनट में हमारी 6 पापड़ी बन जाती है और ये बनाने के लिए 4 लोगों की जरूरत नहीं पड़ती। एक ही व्यक्ति सब काम कर सकता है। यह स्टैंड करीबन 500 रुपए के आसपास मिलता है। साल में इसका इस्तेमाल एक ही दिन करते हैं, लेकिन यह सालों साल ऐसा ही रहेगा। नहीं तो गैल्वेनाइज का ऐसा स्टैंड एक बार इस्तेमाल के बाद जंग खाता है, जो वापिस यूज नहीं कर सकते। स्टील का स्टैंड टूटने फूटने का भी डर नहीं, तो हमारे इस्तेमाल के बाद आजू बाजू वालों को दे सकते हैं उनके पापड़ पकाने के लिए। थोड़ी दुआ देंगे और मेरी तरफ से तो आपको दिल से दुआ है। आपने पूरा वीडियो देखा इसलिए साथ में अपने पैसा वसूल हिंदी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। आपका आशीर्वाद मिल जाएगा मुझे। जय।